मैं तो पाक फौज के ऊपर हैरान हूं कि एक ऐसे आदमी को जो चरस पीता है, जो अपना स्निफ करता है, और वुमेनाइजिंग का तो सबको पता ही है, लेकिन रेहान खान की किताब के मुताबिक अब हम जिनसी भी ये करता है, तो इस तरह के आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाना, और जिसकी हराम औलाद भी है, और औलाद की फोटो भी मैं आपको दे देता हूं अगर चाहिए तो, ये भी आपको दूंगा बाद में, तो ये इस तरह का आदमी प्राइम मिनिस्टर, और जो मदीना की रियासत की बात करके और दिन रात झूठ बोल के रिवर्स मारता है, रिवर्स स्विंग तो मैंने इसको सिखाई थी, लेकिन ये रिवर्स मारना नहीं सिखाया, तो इसको शर्म करनी चाहिए कि एक बात करे तो फैसला करे। अच्छा आप कह रहे हैं कि पाक फौज ने बनाया, ये तो पब्लिक ने वोट दिए है इसको, तो फौज पे तो ये इल्जाम दुरुस्त नहीं है। वो जनरल बेग से पूछे कि वो पैसे बांटता था, इजाजुल हक से पूछे और उसके ख्वाजा आसफ से पूछे, जिसने जनरल बाजवा को फोन किया कि मैं हार रहा हूं मुझे जिता दो, तो अब मुझे बताएं कि इसको किसने जिताया। सर ऐसा आपकी किताब कब आ रही है जिसमें बड़े होशरुबा इंकशाफात हैं? बड़ी जबरदस्त चीजें निकलेंगी, मैं कहता हूं कि ऐसी ऐसी जिंदा कहानियां निकलेंगी उसमें कि लोग परेशान होंगे। कब आ रही है? तो ये मेरा ख्याल है जब मैं खबर में जाने लगूंगा, ताकि मेरे ऊपर केस ना हो।